ऐसा तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। शनिवार को करें ये उपाय, चमत्कार है अद्भुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेडिटेशन पर। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी एवं शनि महाराज दोनों का ही दिन माना जाता है, इसलिए लोग इस दिन श्री हनुमान जी एवं शनि महाराज दोनों की कृपा पाने के लिए दोनों से संबंधित उपाय विश्वास से करते हैं कि उनकी कृपा से जीवन में सभी बाधाएं कष्ट कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और होता भी ऐसा ही है। अगर शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय एक बार जरूर करके देखें, क्योंकि इस उपाय के बाद जो चमत्कार होंगे वो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। शनिवार के दिन उपायों को करने के बाद आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय काले घोड़े की नाल या नाव की कील से बनी लोहे की एक अंगूठी लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसे हनुमान जी के चरणों में रख दें एवं 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद अपने दाहिने हाथ से उठाकर उसमें थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों व गदा की सिंदूर लगाकर सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लें। इस उपाय से सभी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। नंबर दो, शनिवार के दिन सुबह थोड़े से काले तिल, आटा, शक्कर, इन तीनों चीजों को मिला लें और इनके मिश्रण को चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर तीन, प्रातः काल के समय काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान अपने समर्थ के अनुसार अवश्य करें। इस उपाय से शनि प्रसन्न होकर शीघ्र शुभ फल देते हैं। नंबर चार, शनिवार सुबह गंगा जल मिले स्नान करने के बाद एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देकर उस तेल का दान किसी जरूरतमंद को करें। सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर पाँच, शनिवार को आटा पिसवाते जाते समय थोड़े से गेहूं में 100 ग्राम काले चने, 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर के मिला लें। अब इसको बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें। इसके अलावा केवल शनिवार के दिन ही आटा पिसवाएं। इस उपाय को करने के तुरंत बाद से ही आपको अनेक चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। नंबर छः, शनिवार के दिन घर की बनी हुई ताज़ी रोटी में सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को काले कुत्ते को खिला दें एवं शाम को पीपल के पेड़ में देसी घी का 2 बत्ती वाला दीपक जलाने से भी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। यह 6 उपाय आजमाए हुए हैं। इनका प्रयोग करने वाले के जीवन में आए दिन अनेक चमत्कार हुए, जिससे जीवन में सभी अभाव शीघ्रता से ही दूर हो चुके हैं। जय हनुमान जी बाबा की। मनोज्य मारुतल्य वेगम जतीन्द्रियम बुद्धिमतामृष्टम वातात्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्रीराम धूतम शरणम प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र महाराज की जय।